ये देखो जी, हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखो कितनी ज्यादा गाड़ी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक छू, खुश पड़ छू, दिस इज रिद्री स्मीर एंड वेलकम बैक टू मनी फ्रेश ब्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज सुबह सुबह ऑफिस में आए, कुछ पार्सल्स पैक कर रहे थे, ब्लैक ईगल के ऑर्डर्स आए थे और गोल्डन मिराज के। सोहोर अभी तक अवेलेबल नहीं है, सोहोर दो तीन दिन में आपके पास जो है अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह हमारे पास, तो हम आपको वो दे देंगे। सोहोर की डिमांड इतनी ज्यादा है ना, लेकिन साथ में ब्लैक ईगल भी और गोल्डन मिराज भी। ब्लैक ईगल हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, गोल्डन मिराज हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा, जो कि हर दिन जो है आपके पास आ ही जा रहा है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि जो आप फिरनी घर में बनाते, जो मम्मा फिरनी बनाती है, प्लीज उसकी रेसिपी बताओ, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो खाने में तो होगी। तो मैंने आज मामा को रिक्वेस्ट की कि आज प्लीज फिरनी बना दो, तो मैं थोड़ा इनको दिखा दूं रेसिपी वगैरह उसकी क्या है। तो अभी चलते हैं, मामा ने सारा मटेरियल तैयार करके रखा है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसका दिखाता हूं कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीजें फिर आप सीख जाओगे, आप भी वैसे ही घर में फिर बना पाओगे टेस्टी फिरनी, खीर जिसको बोलते हैं। तो ये लेकिन सूजी वाली फिरनी है, तो ये चावल वाली फिरनी नहीं है, सूजी वाली है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। अच्छा जी, प्रोसेस शुरू हो गया है फिरनी का। बहुत सारे कमेंट जो आ रहे थे कि फिरनी की रेसिपी दिखाओ, ये है जी। मेहमान से क्या कहेश मामा, ये क्या है? ठीक, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश। अखरोट डालने चाहिए क्योंकि हमारे कश्मीर का है, तो इसमें से टेस्ट भी अच्छा होता है। खोया, थोड़ा सा खोया, चीनी, चीनी और सूजी, सूजी। अच्छा, इतनी सूजी से लगभग 8 लोगों के लिए फिरनी बन जाएगी, एक एक बाउल से। हाँ, तो यह मगर गैस तो जरूरत की तुरंत सोरी घंटे, 2 घंटे के लिए ये सारा मटेरियल इसमें डालना है और भिगो के रखना है। पहले सूजी, आत्मा गसन तुम लंप्स, तुम हम अब खोया, खोया भी ऐसे ही डालनी है, अगर ऐसे तो त्रो जरूरी छन के, जरूरी छन के, मगर इसे टेस्ट अच्छा आता है। और चीनी भी इसी में, बिस्मिल्लाह, और साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स, एक साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का भी क्या होगा, इतनी देर में ये फूलेंगे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश वगैरह का जो इनका टेस्ट इसमें अच्छा आ जाएगा। बस यूं ही शुरू करना, बस ऊपर से ढक्कन मिलाऊन विलाउन के। अच्छा, इसमें बनाऊन मिसबानस मज, मिसबानस मज अमे मूजूब कि एचन या चोक लारा की, तो ये भी एक नई चीज है। अच्छा, और एक चीज जो इसमें एक्स्ट्रा है वो ये है कि इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब जिसके पास जाफरान, जिसको कश्मीरी में कोंग बोलते हैं, वो नहीं होता है, तो वो इसमें जो है थोड़ी सी हल्दी, एक पिंच हल्दी ऐड करे ताकि वो जाफरान वाला कलर इसमें आ जाए। जैसे इसके ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ी सी वो, थोड़ा सा इस पे कलर आ गया, सेम ऐसा भी आप कर सकते हैं। भाई ये डरा देती है, ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है, बीच में एक ही जगह अटक जाती है, पता नहीं इसको क्या मसला हो जाता है बीच बीच में, डरा देती है ये। अभी हो रहा है जी नमाज का टाइम, अभी यार यहाँ पे उठ गया है फ्लोरिंग में, अचानक से नज़र पड़ गई मुझे, ये निकल गया है, तो इसमें थोड़ा कील वगैरह लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हो रहा है जी जुहर नमाज का टाइम, अभी नमाज अदा करके आते हैं और फिर बाकी काम करेंगे, फिर फिरीन जो खीर है उसका भी करना है, फिरनी कश्मीरी फिरनी, वो भी दिखाऊंगा आपको। आज मौसम बहुत क्लियर है और वहाँ से देखो बर्फ़ वाले पहाड़ क्या दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं ये। तो जी नमाज अदा हो गई है अभी, सीखे हो ना मामा? हाँ हाँ, मैं बोल रही मकला गुड, मतलब फिरनी का काम स्टार्ट हो गया है, वो करते हैं पहले। वन से कैश करूं? ठीक है यार, जोल था से गैस। अच्छा, एक चीज इसमें मुझे देखनी है, हमने ठंडे दूध में इसमें सारा मटेरियल सूजी वगैरह डाली थी, तो लंप्स तो नहीं हुए किसी जगह पे? नहीं भाई, एक लंप भी नहीं है, बिल्कुल डिजोल्व हो चुका। और ड्राई फ्रूट देखो कितने ज्यादा फूल चुके हैं, ये देखो ड्राई फ्रूट कितने फूले हुए हैं। इलायची, बस वी शायद खालन रोजन दिमा सर से, बस पाँच छः मिनट देखी ही कर भाई। ये बहुत आसान प्रोसेस है भाई, ये कोई भी बना सकता है इस तरीके से। मुझे लग रहा है इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है ना, जिससे इसका टेस्ट आता है और गाढ़ी हो जाती है फिर, नहीं
वो है खोया, इसको जितना आप पकाएंगे। बस अब इसको पकाते हैं थोड़ी देर के लिए, लगभग इसमें आधा एक घंटा तो लगता ही लगता है भाई, तो फिर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा कोई बोलेगा आप दूध कितना इसमें डालना है, देखो हमने, हम चार फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने 2 kg दूध इसमें डाला और इसमें आराम से 8-10 बाउल्स, तो आराम से छोटी छोटी बाउल्स आराम से 10 निकल जाएंगी। अब टेस्ट का क्या है, टेस्ट कैसे, इसमें हमने मिल्क मेड वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं, तो इसमें टेस्ट कैसे आएगा, वो इसलिए क्योंकि ये 2 kg दूध जो है ना ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा और ये कम से कम 500 ग्राम के करीब रह जाएगा टोटल, इसमें 1500 ग्राम जो है दूध वो इसमें आराम से वो मोटा हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा इसमें, बस 500 ग्राम रह जाएगा, तो फिर इसमें ऑब्वियसली टेस्ट तो आएगा ही। अब कोई दूध जो है वो कम डाल दूध डालता है, उसके बाद सूजी बहुत ज़्यादा डालता है, अब मैंने आपको दिखाया इसमें सूजी कितनी डाली है, 1 बाउल बस, उससे ज़्यादा नहीं, आधी ही बाउल, पूरी भी नहीं। अब कोई सूजी ज़्यादा डाल देगा वो जल्दी गाढ़ी हो जाएगी फिर नहीं, तो वो मज़ा भी नहीं आएगा फिर इसमें। और हल्दी जो इसमें डाली थी उसका थोड़ा सा कलर इसमें आ गया है, ज़्यादा नहीं, देखो ये थोड़ा लग रहा है इसमें जैसे ज़ाफ़रान डाला हुआ है, लेकिन ज़ाफ़रान नहीं है, ये है इसमें हल्दी। भाई साहब आधा घंटा हो गया मुझे इसको ऐसे हिलाते हुए, ये देखो यहाँ पे था, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे दूध था और ये देखो कहाँ पे आ गया, अभी ये और गाढ़ा होना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, देखो कितना गाढ़ा हो चुका है, अभी तो और ज़्यादा होना है ये, बहुत ज़्यादा। ये देखो जी हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखो कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, बस अब इससे ज़्यादा नहीं करनी, अब देखो दूध कहाँ पे था, इस जगह पे था, अब देखो कहाँ पे आ गया, अब इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, या क्या एमाला क्या शुरू करेंगे, अच्छा इसके बाद ये अब ये हाँ ये ठंडी हो जाएगी तो ये खुद ठीक हो जाएगी। अच्छा फिरनी चेक करने का एक आसान तरीका जो अम्मी जी ने सिखाया वो है चम्मच को ऐसे उल्टा करो, ऐसे आँखें जैसी दिखनी चाहिए इसमें, ये देखो समझ आ रहा है आपको, ये ऐसे लगना चाहिए कि ये आंखें जैसी बन गई है इस दाने को, और ये परफेक्टली रेडी हो चुकी है, डन। अब इसका गैस करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, इथा कुछ इतनी मुमकिन कब लग मज़ा ठीक है। अच्छा बाउल्स में रखेंगे तो चारों में रख देंगे और फिर ये ठंडा होने के लिए रख देंगे ऐसे, डन। अब इसके ऊपर डालेंगे जी खशखाश, खशखाश मैंडेटरी है लेकिन इस खशखाश से फिर बेहोश हो जाता है इंसान शाम को, बस खूफरा ऊपर से नारियल, सूखा नारियल, ये देखो जी परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई और तरावी भी अदा हो चुकी है, तो अभी बजे हैं 10 और अभी फिरनी का टाइम है, कश्मीरी फिरनी का टाइम है, उसको टेस्ट करने का टाइम है, देखते हैं कैसी हुई है, मेरे सामने ही है वैसे। ये देखो जी ये है जी फिरनी, इतनी ज़बरदस्त, ये देखो जी अब दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त हुई है, ये देखो माशाल्लाह, देखो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ही आ गए सारे, ये देखो जी देखो क्या कंसिस्टेंसी है इसकी, क्या गाढ़ापन है इसमें, ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओहो भाई छुट्टी, सबर करो, इसका टेस्ट जो है ना बड़ा कमाल का है, जो 2 kg से ये 500 ग्राम दूध रहता है ना लास्ट में, इसमें जो फिरनी बनती है ना भाई वो बड़ी जबर, मिल्क मेड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दूध खुद से मिल्क मेड बन जाता है भाई, ये अल्टीमेट है अल्टीमेट, ये देखो